भारत का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सत्ताधारी एनडीए ने झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती हैं। विपक्षी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए एक नजर डालते हैं द्रौपदी मुर्मू के जीवन के सफर पर। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी। राजनीति में आने से पहले शिक्षक रही है मुर्मू। पार्षद के रूप में शुरू किया अपना राजनीतिक करियर। दो बार भाजपा की बनी है विधायक। नवीन पटनायक सरकार में रही है कैबिनेट मंत्री। बीजेपी संगठन में संभाल चुकी हैं कई अहम पद। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव। भारत का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने उन्हें इस सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। आरएसएस आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के लिए एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने तक का सफर बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून साल 1958 को ओडिशा में मयूरभंज जिले के कुसुम्बी प्रखंड स्थित संथाली गांव उपरबेड़ा में हुआ। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। उन्हें भारतीय राजनीति को जाति का नया पैमाना देने वाले मंडल आयोग के लागू होने के बाद से जारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ही अगली कड़ी बनाया जा रहा है, जिसके पीछे के आर नारायण और रामनाथ कोविंद का नाम आता है। बता दें कि द्रौपदी की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी और दोनों के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हुए, लेकिन उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया। उनकी बेटी जिसका नाम इतिश्री है, उसकी शादी गणेश हेम्ब्रम से हुई है। तो वहीं तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से आर्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक क्लर्क की नौकरी की। राजनीति में आने से पहले वो शिक्षक के पद पर रही। उन्होंने साल 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और फिर साल 2000 में वो ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही द्रौपदी मुर्मू ने साल 2009 में तब अपनी विधानसभा सीट पर दर्ज की थी जब बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने ओडिशा के चुनावों से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं मुर्मू को साल 2007 में ओडिशा विधानसभा ने साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव भी है। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रही। उन्हें 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू को झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव हासिल है। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 को झारखंड की नवी राज्यपाल बनाई गई थी और 12 जुलाई 2021 तक इस पद पर वो रही।
अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जाती हैं, तो आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी होंगी। दरअसल मुर्मू का नामांकन निम्न वर्गीय राजनीति की धार को ही तेज कर रहा है, जिस पर बीजेपी लंबे समय से काफी मेहनत कर रही है। बीजेपी राष्ट्रपति भवन में एक आदिवासी महिला के होने से एसटी कम्युनिटी के बीच पार्टी की छवि निखारेगी, जिसका सीधा असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी भारतीय राज्यों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारा इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस